कैसे हो आप? जैमा टैरो में आपका स्वागत है। जैमा टैरो आपका अपना टैरो। गाइस, जैमा टैरो में आज मैं लेके आई हूँ एंजल गाइडेंस। मेरा मानना है कि अगर हम टैरो की वीडियो डालते हैं तो हमें बीच बीच में एंजल के मैसेज जरूर डालने चाहिए। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ कि एंजल आपके लिए क्या गाइडेंस लेके आए हैं, क्योंकि ये टाइमलेस और कलेक्टिव है रीडिंग। और आपको मैं बता दूँ, एंजल के गाइडेंस आपको अगर ना पता चले तो आप अपने डिवाइन, जिस भी डिवाइन को मानते हो, उसको लेके चल सकते हो। ईश्वर का कहा, ईश्वर का करा, कभी गलत नहीं होता, कभी झूठ नहीं होता, ये हमें एंजल गाइडेंस बताएंगे। देखते हैं ईश्वर आपके लिए आज, यानी कि एंजल क्या लेके आते हैं। उसके बाद थोड़े से निकालेंगे टैरो कार्ड। ये आया कार्ड। अगर आप किसी चीज़ का, एंजल कह रहे हैं कि अगर आप किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हो काफ़ी समय से हैं, या कोई समस्या है उसके लिए ज़्यादा सोच रहे हो किसी भी चीज़ के लिए, तो उसके लिए आप रेडी हो जाओ, क्योंकि अब टाइम आ गया है रेडी होने का। यानी कि अभी आपने किसी से बात करनी है, या कोई आपने जॉब करनी है, या आपने कोई बिजनेस खोलना है, तो आप रेडी हो जाओ। या किससे रिश्ते के लिए बात करनी है तो आपको रेडी हो जाना चाहिए। गाइज, एंजल कह रहे हैं जैसे ही मैंने आपको कहा कि तैयार हो जाओ, वैसे ही एंजल की आगे गाइडेंस आई है कि रुको नहीं। अगर कोई काम करते हो, उसमें दिल लगा के मेहनत कर रहे हो, तो उसमें रुको नहीं। डू नॉट स्टॉप। अगर किसी रिश्ते की बात चल रही है, अब अगर किसी बिजनेस की या कैरियर की बात चल रही है, तो कुछ भी कर रहे हो उसमें रुकना नहीं है, आगे बढ़ते जाना है। आपको आगे कामयाबी जरूर मिलेगी। ये कार्ड आया वेट का। एंजल कह रहे हैं अभी आपको लगता होगा कुछ चीजों के लिए मैं करूं कि ना करूं। जैसे कोई भी चीज हो, कोई भी काम हो, नया शुरू करते हैं, जैसे कोई बात होती है, जैसे कोई किसी चीज का प्रोग्राम बनाना है या कुछ करना है, तो उसके लिए आपको वेट करने की ज़रूरत है। अगर किसी चीज़ में नज़र आ रहा है कि लॉस हो सकता है, तो उसके लिए आप वेट करो, जल्दबाजी मत करो। जल्दबाजी करने से आपकी जो चीज़ है खराब होती दिख रही है। एंजल कह रहे हैं मन में कई सवाल है, कई जवाब है। कुछ सवालों के जवाब सबकी तरफ देख के सोचता है इंसान ये दे दूं, पर दिल और दिमाग अलग-अलग तरह से चलता है। समझ नहीं आता कि आपको आगे क्या करूं क्या ना करूं। जनरली तौर पे अगर कोई चीज़ ऐसी है, कोई बिजनेस है, कोई कैरियर है, कोई घर का माहौल है, चेंज करना चाहते हो, बात करना चाहते हो, सामने वाले से बात नहीं कर सकते, दुविधा में हो, तो सबसे पहले अपनी इंट्यूशन सुनो। जैसे कि सामने वाले के साथ आपने कैसी बात करनी है, कैसा मेल जोल रखना है, आपने अपने दिल की सुननी है, ना कि सामने वाले के रवैये के ऊपर। अगर आपको पता है कि एक इंसान गलत है, तो अगर वो मीठा बोलता है, प्यार से बोलता है, आपसे कुछ आपको नुकसान पहुंचा सकता है, तो आप उसके रवैये की तरफ मत जाइए, अपनी इंट्यूशन से काम करिए। जब आपको पता है ये है ही गलत, तो अपनी इंट्यूशन से उसी हिसाब से मेल जोल रखिए। ये है कि इंट्यूशन से अपने काम लो, कोई भी फैसला लो, कोई भी बात करो, सोचो, तो अपने इंट्यूशन से। हर चीज़ में सामने जरूरी नहीं कि जो देखते हैं वो सही होता है। एंजल कह रहे हैं अगर किसी काम का या किसी चीज़ का इंतज़ार करते हो, तो आपका साल के अंदर, यानी कि साल के एंड में या साल के अंदर हो जाएगा। एक ईयर लगेगा उन चीज़ों को, तब तक आप सिर्फ पॉजिटिव रहिए। आपको रिकवरी हो,
आपकी चीजें जो है रिकवरी होती नजर आ रही है। अगर आपको हेल्थ इश्यू है किसी को, तो हेल्थ इश्यू रिकवर होंगे, यानी कि आगे सेहत अच्छी होगी। अगर किसी का बिजनेस लॉस में है, तो वो भी रिकवरी होती हुई दिख रही है। एंजल कहते हैं, मैं हमेशा आपके साथ हूँ, आप मेरे पे बिलीव रखो। जो चीजें आपको परेशान कर रही है, जिनके लिए आप हमेशा परेशान और दुखी रहते हो, और आपको समझ में नहीं आता कि क्या करो, कुछ समय के लिए, परमानेंट नहीं कहते, एंजल कह रहे कुछ समय के लिए लेट गो कर दीजिए। वक्त आने पर सब कुछ सही हो जाएगा और चीजें अपने आप सही हो जाएंगी। जब चीजों के कुछ सवालों के जवाब नहीं मिलते, हर तरफ से इंसान हाथ खड़े कर लेता है, कहीं से कुछ आपको रिप्लाई नहीं मिलता, तो एंजल जी कहते हैं कि आपको जरूरत है, आपके दिमाग में सुकून नहीं है, आप पॉजिटिव नहीं हो। तो आप अपने पॉजिटिव लाने के लिए सबसे पहले आपके लिए है कि आप मेडिटेशन कीजिए, अपने आप को दुरुस्त बनाइए, पॉजिटिव बनाइए। उसके बाद आपको उन सवालों के जवाब मिलेंगे, जिन सवालों के जवाब आप अपने आप से सारा दिन पूछते रहते हैं। अगर कुछ चीज़ों के लिए आप कुछ करना चाहते हो, या गेट मोर इन्फॉर्मेशन, आपको अभी लगता है कि आपकी चीज़ें अधूरी हैं, अभी तक उनका सही से रिप्लाई नहीं मिल रहा, तो आपको ज़रूरत है और इन्फॉर्मेशन की। और इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कीजिए, ताकि आपको पूरी तरह चीज़ों में क्लैरिटी मिले, और आगे जो भी आप कदम उठाएं, या कोई भी सक्सेस किसी बिजनेस की तरफ बढ़े, तो आपका लॉस ना हो। अगर पुरानी चीज़ें इतनी मेहनत कर रहे हो, वो सही नहीं हो रही। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि हम मेहनत करते हैं, वो सही नहीं होती, हम बार बार लेके बैठ जाते हैं, क्योंकि हम उनके साथ जुड़े होते हैं, दिल से अटैच होते हैं, हम चाहकर भी वो चीज़ें नहीं छोड़ पा सकते। जैसे एक कोई कपड़ा है, जनरली तौर पे कोई शर्ट है, कोई कपड़ा है, बहुत पुराना हो जाता है, फटने वाला हो जाता है, तो आप क्या करोगे, इसके साथ पिक बहुत अच्छी आती है, फिर उसको सिलने बैठ जाओगे। तो ऐसे ही है कि आपके पास कुछ ऐसा मकसद है जो आपसे सोल नहीं हो रहा, लेकिन आप कोशिश करते जा रहे हो, है उसमें आपको सक्सेस नहीं मिलती, तो एंजल कह रहे हैं आप चूज ए न्यू डायरेक्शन, डायरेक्शन नई डायरेक्शन चूज करो। कई बार पुरानी चीज़ें ज़्यादातर खींचने से उस आपको अब वो चीज़ें छोड़ देनी चाहिए, यानी कि अभी आपका राइट टाइम नहीं आया, यानी कि कुछ चीज़ें डिवाइन टाइम पे ही सही होती है, लेकिन अभी आपका राइट टाइम नहीं है, अभी आप थोड़ा रुक जाएं। अगर आपका कोई काम अड़ा हुआ है, कोई रिश्ता रुका हुआ है, तो आपका राइट टाइम नहीं आया, कुछ वक्त का इंतज़ार करें, क्योंकि आप इतने एफर्ट लगा रहे हो, तो एफर्ट भी बेकार जाएंगे। जब राइट टाइम आएगा, एफर्ट लगेंगे, तो आपको सक्सेस उन चीज़ों में मिलेगी। दुखी मत होइए, अंत बला तो सब मता बला, एंजल कह रहे दुखी मत होइए, जरूरतों की हेल्प करिए। दुखी होने की आपको जरूरत नहीं है, आपके साथ मैं हूँ, हमेशा मेरी ब्लेसिंग आप लोगों के लिए है, बस मुझ पे बिलीव रखिए, और आप दुखी होने की आपको जरूरत नहीं है, मैं आपकी सारी चीजें सही करूँगा एक टाइम पे। चलिए, थोड़े से अगर हम टैरो के साथ जुड़े हुए हैं, थोड़े से कार्ड हम एडवाइस की तौर पे दो चार निकालते हैं कि डिवाइन टैरो आपके लिए आज कौन सी एडवाइस लेके आए हैं। ये जो कार्ड निकलेंगे रिलेशन को लेके निकलेंगे। जिस तरह का कार्ड होगा वैसी एडवाइस होगी।
नाइन ऑफ वैंड्स। डिवाइन टैरो कह रहे हैं कि आपने आपको अपने आप को हारा हारा हुआ मान लिया है, हमेशा सबके बीच में खड़े हुए भी अपने आप को अकेला समझते हो, क्योंकि आपको ऐसे लगता है कि मेरे से कोई ऐसी मिस्टेक हुई है जिसका कोई सुधार नहीं है, कोई गलती हो गई है। तो आपको मैं बता दें, डिवाइन कह रहे हैं ऐसा दुखी होने की ज़रूरत नहीं। अगर आप अपने आप को हारा हुआ मानोगे तो अपनी गलती का सुधार कैसे करोगे? अगर आपको सच में ही लगता है कि आपने किसी का दिल दुखाया है या आपकी वजह से किसी को घाटा हुआ बिजनेस में, तो आप अपनी उस गलती को सुधारिए। डिवाइन कहते हैं पछतावे से बड़ी कोई चीज़ नहीं होती। फाइव ऑफ सोर्ड्स, डिवाइन कहते हैं लगता है आपको कोई आपके मैनिपुलेशन करके, आपको कोई दुखी करके चला गया है। आप हमेशा दुखी रहते हो और उस बंदे की याद कर करके परेशान रहते हो। सामने वाला अगर फ्रॉड था या किसी चीटर था, अगर बिजनेस में या रिलेशन में चीट करके चला गया है, तो ऐसे इंसान का शोक मत मनाइए, क्योंकि ऐसे इंसान को याद करके आप अपने आप को डाउन कर रहे हो, नेगेटिविटी ज़्यादा क्रिएट कर रहे हो। इससे अच्छा है आप पॉजिटिव बनिए। अगर आपकी किस्मत में वो चीज़ें दोबारा से होगी तो कोई बात नहीं, वो सुधर के आपकी लाइफ में फिर आएंगे। अगर कोई बिजनेस में दोबारा लॉस हुआ है मैनिपुलेशन के साथ, तो वो भी दोबारा ठीक हो जाएगा। कोई काम कोई चीज़ ऐसी नहीं है गाइस, जो आती है वो जाती है, चाहे वो कोई बीमारी हो चाहे कोई दुख हो। जैसे कहते हैं सूरज निकलता है तो डूबता है, ऐसे कोई चीज़ परमानेंट नहीं रहती। गाइस टू ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। डिवाइन कहते हैं आप बहुत अच्छे हो, साफ दिल के इंसान हो, आपको छल कपट नहीं आता, लेकिन इस टाइम आप इस दुविधा में हो, हमेशा कन्फ्यूज़ हो, कन्फ्यूज होके सोचते हो कि मैं आगे क्या करूं। दो तरफा फंसे पड़े हो, यानी कि दुविधा में फंसे पड़े हो। तो दुविधा में निकलने के लिए आपको क्या करना होगा? अपने माइंड को पहले सेट करना होगा। सोर्ट्स का कार्ड है, सोर्ट्स का कार्ड हमेशा माइंड ख़राब करता है, उन लोगों के लिए आता है जिनके ब्रेन हरदम चलता है लेकिन सोल्यूशन नहीं निकलता। अपने माइंड को सेट कीजिए और अपनी चीज़ें अपने आप, उसका हल और सोल्यूशन दोनों निकलेंगे। चलिए टेन ऑफ कप, हैप्पी एंडिंग, अंत भला तो सब भला। आप किसी के साथ इमोशनली अटैच हो, बहुत प्यार करते हो उस इंसान से, उसके लिए काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहे थे कि मेरी चीज़ें मन मुताबिक हो, यानी कि मैरिज हो, फैमिली हो, आगे तक चीज़ें जाएं। हम दो, हमारे वाले दो की फीलिंग रखते थे, अब वो इंतज़ार की आपकी घड़ियाँ ख़त्म हो गई हैं, यानी कि आने वाले टाइम में आपको ये चीज़ें, जिन चीज़ों का इंतज़ार कर रहे हो, मिलेगी, और एक प्यारा सा परिवार, एक अच्छा सा घर बार मिलेगा, अच्छे से रिश्ते मिलेंगे, वो इंतज़ार आपका ख़त्म होने वाला है। खुश होइए, पॉजिटिव रहिए, और आप सबको, जिन जिन लोगों की ये चीज़ें रुकी पड़ी हैं, मिलने वाली हैं, कंग्रेचुलेशन। तो ये थे डिवाइन टैरो के संदेश, तो एंजल जी के संदेश, एंजल की गाइडेंस भी फॉलो कीजिए और डिवाइन टैरो के भी संदेश को। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलना, साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि आप भले ही हम नहीं मिलते लेकिन हम आप लोगों के साथ एक दूसरे जुड़े हैं, एक फैमिली की तरह, एक फ्रेंड की तरह, और एक कैसे, एक ह्यूमन के साथ दिल से अटैच होता है वैसा रिश्ते आप लोग वो हो, जो किसी के साथ अपनी प्रॉब्लम, दिल की बात नहीं कर सकते, लेकिन ये डिवाइन टैरो के जरिए, रीडिंग के जरिए, कमेंट के जरिए आप अपने दिल का दुख मेरे आगे खोल देते हो, और जब मैं उनको कमेंट को पढ़ती हूँ तो मुझे फील भी होता है, उस चीज़ का एहसास भी होता है। और मेरी कोशिश यही रहती है कि आप लोगों के लिए जहाँ तक हो प्रे करूँ और सब कुछ अच्छा हो। तो मैं बस यही कहूँगी,
बेल आइकन दबाना मत भूलना, क्योंकि नेक्स्ट रीडिंग का नोटिफिकेशन पहुंचेगा आपके फ़ोन तक। आज तक के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू और जय माता दी।